of the civic threat. And it was a revelation that the White House had no intention of making public. President Bush was told in August that Osama bin Laden might be planning an attack involving a hijacking. Would have predicted. Nobody in our government, at least. August 6th, PDG. I believe the title was Bin Laden determined to attack inside the United States. 70% of family members' questions were never answered during the 9/11 commission report. Trey Hamilton and Thomas Kean said they were set up to fail. I mean, I'm a member of the commission. It's a scam. It's absolutely disgusting. The questions, Mr. President. The questions. ये स्टील स्ट्रक्चर के माहिर है। रिचर्ड गेज ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बारे में तहकीकात का मुतालबा किया है। रिचर्ड गेज जो हमारे पास मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग गिरने की इंक्वायरी दोबारा शुरू करने का मुतालबा क्यों किया। आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में जरा बताइए। मैं 20 साल से आर्किटेक्ट हूं और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का मेंबर हूं और मैं स्टील फर्म वाली फायर प्रूफिंग इमारतों की स्टडी कर रहा हूं। हम ये सवाल वजाहत के लिए पूछ रहे हैं। हम इसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं ताकि आपके जहन में कोई फजूल बात ना आ सके। सरकारी तौर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने की क्या वजूहत थी? हमें बताया गया कि तैयारों को इमारतों से टकराया गया जिसके नतीजे में आग लगी और घंटे डेढ़ घंटे बाद धमाकों से इमारतें मुनज़िम हो गई। इमारतों के इन्हदाम के हवाले से देखा गया है कि आग लगने या धमाके से इमारतें इस तरह तबाह नहीं होती क्योंकि इनमें स्टील के फ्रेम मौजूद होते हैं। जुड़वां टावर और एक नजदीकी बुलंद इमारत के इन्हदाम के बारे में जो शवाहिद मिले हैं इनसे जाहिर होता है कि उन्हें कंट्रोल तरीके से तबाह किया गया था। बिल्डिंग नंबर 7 अपनी ही बुनियाद पर मुनहदिम हुई थी। आप देख सकते हैं कि पहले 100 फुट तक तेज रफ्तारी से मलबा नीचे आता है। इस इमारत में 40,000 टन स्टील का स्ट्रक्चर लगा हुआ था जो इस तरह इनके इन्हदाम को रोकने के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। तो ये 47 मंजिला बिल्डिंग की कहानी है। हाँ, इसी को बिल्डिंग 7 का नाम दिया गया है जो फुटबॉल ग्राउंड जितने फासले पर मौजूद थी। हम आपको दिखा रहे हैं जो कुछ हुआ था। दाई तरफ आप देख सकते हैं कि जब इमारत को कंट्रोल धमाके से गिराया जाता है तो क्या होता है। आप खुद मुवाजना कर सकते हैं। आपने खुद देखा है कि 40,000 टन स्टील स्ट्रक्चर जब पूरी स्पीड के साथ नीचे आता है इसका क्या मंजर होता है। हमें तकरीबन 700 आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने कहा है कि इस वाकये की नए सिरे से तहकीकात की जानी चाहिए। इनका कहना है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से मिलने वाले नए शवाहिद बहुत अहम हैं और ये कंट्रोल धमाकों की निशानदेही करते हैं। ऐसे धमाके बौसीदा इमारतों को गिराने के लिए बारूद लगाकर किए जाते हैं। अगर इंजीनियरों को मुआयने की इजाजत दी गई तो डर इस बात का है कि ये राज मंजर आम पर जाएगा क्योंकि इन धमाकों में अलकायदा नहीं कोई और खुफिया कुव्वतें मुलविस हैं जो पेंटागन के बाद न्यूयॉर्क के महफूज तरीन 3 इमारतों को मुनहदिम करने के जिम्मेदार हो सकती हैं। सबसे पहले आप एक मसला पैदा करते हैं और इसका जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बुनियादों पर हजारों टन पिघला हुआ स्टील मिला है। सवाल यह है कि स्टील कैसे पिघल गया। इंजीनियरों ने बताया है कि आग लगने के वाकयात में इमारतों में लगा हुआ स्टील इस तरह नहीं पिघलता और न ही जेट फ्यूल से इस तरह की तबाही आती है। आमतौर पर स्टील को पिघलने के लिए 3000 डिग्री सेंटीग्रेड की आग दरकार होती है। यहाँ पर हमें जो शवाहिद मिले हैं उनसे जाहिर होता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आग 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक थी। अब सवाल ये उठता है कि इन इमारतों में मौजूद स्टील को इस तरह कैसे पिघलाया गया। माहिरीन के मुताबिक इतनी बड़ी मिकदार में स्टील को पिघलाने के लिए थर्माइट नामी केमिकल इस्तेमाल किया गया। क्या आपने इसको ढूंढ लिया? न्यूयॉर्क के इलाके लोअर मैनहट्टन से मिलने वाली धूल का तजिया किया गया। इस धूल की तय 4 से लेकर 6 इंच तक मोटी थी। इस धूल में पहले से पिघले हुए लोहे के पार्टिकल्स भी मिले हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? Previously molten iron. Well, how does that happen? At that point,
उस वक्त जिन लोगों ने खुफिया तरीके से मसला पैदा किया था और उसकी जिम्मेवारी किसी और पर डाल दी थी, उन्हीं लोगों ने रद्द अमल का तज्जिया भी किया और खुद ही अपने पैदा किए हुए मसले का हल भी पेश कर दिया। क्या ये पता नहीं चल सकता कि दुश्मन ने पहले इन इमारतों को आग भड़काने वाला केमिकल लगाया हो और बाद में ये वाकया रुनुमा हुआ हो? पहले आपको ये सोचना होगा कि इस बिल्डिंग तक किस किस को रसाई हासिल थी। क्या अलकायदा को इस कदर महफूज इमारतों तक रसाई हासिल थी? गालिबन नहीं। क्या अलकायदा को पेचीदा और खतरनाक किस्म के केमिकल तक रसाई थी? गालिबन नहीं। मेरे ख्याल में इस मसले को हल करने के लिए किसी और के बारे में तहकीकात करना होगी, इसलिए हमारे साथ 700 आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका और दुनिया के लोग सच्चाई का मुतालबा कर रहे हैं। सर, आपके पास कुव्वत भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप 9/11 और उसके बाद के हालात जानने के लिए कांग्रेस की इंक्वायरी का आगाज करें। हमें तो हमारा मुल्क वापस चाहिए। सदर साहब, मैं आपको और आपकी टीम से और हर अमरीकी शहरी से कह रहा हूँ कि वो जाग जाएं और उठ खड़े हों और सच जानने का मुतालबा करें।